में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए क्या करना अपेक्षित है? वास्तव में जब हम आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य को समझना पड़ेगा जी। शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर एक अलग प्रकार का विशिष्ट दृष्टिकोण निर्माण होता है। शिक्षा का उद्देश्य एक शिक्षित व्यक्ति के बारे में एक आइडियल निर्माण करना रहता है। समाज का बड़ा वर्ग उस शिक्षित व्यक्ति को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ शिक्षक जब समाज के सामने शिक्षा देने के लिए आता था तो शिक्षक जैसे माँ किसी अपने पाल्य को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसी प्रकार से शिक्षक दीक्षा के माध्यम से उस विद्यार्थी को अपने अंतःकरण में समेटता था। उस आधार पर उस बालक की कंप्लीट पर्सनैलिटी से वो आइडेंटिफाई हो जाता था, कैसा है ये विद्यार्थी, इसमें मेरे पास अध्ययन करने के लिए आया है, वास्तव में उसके अंदर क्या न्यूनताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ कठिनाइयां हैं, इन सबको वो ऑब्जर्व करता था। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद में कौन सा विषय किस पद्धति से किस पेडोलॉजी के आधार पर हम पढ़ाएंगे इसका निर्धारण करता था। ये शिक्षक के स्तर पर है। अभिभावक के स्तर पर भी अभिभावक ये निर्धारण न करें, कई बार अभिभावक ये प्रेशर डेवलप करता है कि आपको ऐसा ही बनना है। अभिभावक के मस्तिष्क की अपनी परिकल्पनाएं रहती हैं, अपनी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन विद्यार्थी अपने स्तर पर उसके अंदर क्या बेस्ट करने का स्थिति है ये विद्यार्थी को ऑब्जर्व करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। विद्यार्थी किसके अंदर एक कंप्लीट इनपुट दे सकता है ये विद्यार्थी को अवसर मिलना चाहिए। अभिभावक भी विद्यार्थी को ये अवसर दे, शिक्षक को ये अवसर दे कि वो दोनों मिलकर के ये तय करें कि हम इस दिशा में जाएंगे तो हम अपने जीवन का बेस्ट दे सकते हैं, 100% आउटकम दे सकते हैं। समाज के स्तर पर सामाजिक वातावरण निर्माण करता है। धीरे धीरे आज के समय में शिक्षा में क्या हो गया है कि शिक्षक बाजार आधारित हो गई है। आपको ध्यान में होगा 15 साल पहले तक मैनेजमेंट की एक बड़ी चारों तरफ से ग्लैमर दिखाई देता था, जिसको देखो वही MBA करने के लिए प्रयासरत है, बाद में डॉक्टर इंजीनियर बनने की एक बड़ी होड़ लग गई, आज IAS PCS की होड़ लगी हुई है। परंतु वास्तव में आवश्यकता क्या है और वास्तव में विद्यार्थी के पास क्या बनने की स्थिति है और शिक्षक के पास इसको क्या बना सकने की सिद्धता है, इन सभी तीनों घटक बैठ करके विचार करेंगे और समाज केवल उसको प्रोत्साहन दे। हमारे यहाँ शिक्षा राज्य आश्रित कभी नहीं रही, शिक्षा समाज आश्रित रही है। समाज का अवलंबन, समाज का सहयोग, समाज की दृष्टि और समाज की अपेक्षा, इन चारों घटक को लेकर के समाज ये केवल मोटिवेशन का काम करता था, शिक्षक निर्माण का काम करता था, विद्यार्थी परिश्रम का काम करता था और उसके आधार पर एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक तैयार होता था। उसी आधार पर आज भी कुछ न कुछ न्यूनताएं जो ध्यान में आती हैं, धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं का परिवर्तन होगा तो उस प्रकार के नागरिकों का निर्माण हो सकता है।